Hi friends, now you are most welcome, Manish Mathematician. Today we will start question number 5, exercise 1.1. So, question number 5, name the property under multiplication used in each of the following. हमको जो भी question दिया, अब question हमारे क्या है? Question ये है कि first one is, लिखा है कि minus 5 upon 4 into 1 equal to 1 into minus 5 upon 4 equal to minus 4 upon 5 है ना, ये कौन सी आइडेंटिटी है हमको बताना है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें सॉल्यूशन में क्या कि देखो 1 का into अगर हम किसी भी साइड में देखें 1 का जैसे 2 लिखा है into 1 करें तो क्या आता है 2 आता है और अगर हम 2 into 1 करें तो भी क्या आता है 1 ही आता है ए 2 ही आएगा है ना। इन दोनों का आंसर क्या है 2, मतलब इसका क्या हो गया कि 1 का इनटू हो रहा है। देखो यहां पे किसी नंबर में 1 का इनटू किया और 1 का ही फिर इधर कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम 1 क्या हो गया 1 इज द आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 1 क्या है तो 1 इज द यह लिख सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी है ना। वन इज मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, क्लियर अंडरस्टूड। इसको हम रफ कर देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या दिया है हमको कि 13 माइनस 13 अपॉन 17 इनटू माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 7 इनटू माइनस 13 अपॉन 7। अब एक और चीज है, कम्यूटेटिविटी एक होती है हमारी प्रॉपर्टी, तो ये हमारा किससे हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी CMUTATIVITY। कम्यूटेटिविटी कैसे कि देखो अगर हम किसी नंबर का 2 इंटू 3 करें तो भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा और अगर हम 3 इंटू 2 कर दें तो भी आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा ना। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। और इसको क्यों 1 से, क्योंकि 1 से क्या हुआ था इसमें पहले हमने 1 से इनटू किया तो भी वही आंसर आएगा और फिर 1 का इनटू उसमें करा तो भी वही आंसर आया तो क्या हो गया 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड थर्ड वन इज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव तो इसका आंसर क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने एक वो पढ़ा था रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। और रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नंबर का मान लीजिए a अपॉन b है, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमें मालूम है b अपॉन a होगा और अगर हम दोनों का इनटू कर दें क्वेश्चन और आंसर का तो किसके इक्वल आता है वो 1 के इक्वल आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर अंडरस्टूड माय डियर, ओके। सो नाउ विल टेक आफ्टर सम टाइम, सो दिस इज योर आंसर राइट है ना। अब समझ में आ गया क्यों हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, क्यों कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी बोलते हैं और हमने जो फर्स्ट वन का आंसर लिखा है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों लिखा है। क्लियर अंडरस्टूड, सो नाउ विल टेक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जब तक के लिए जय हिंद जय भारती।